पूरा ब्लॉक कर दिया है। अब इस ब्लॉकेज की वजह से क्या हुआ है कि हार्ट की ब्लड सप्लाई 0% पे पहुंच गई है या बिल्कुल बंद हो गई है, तो क्या होगा, हार्ट की ऑल ऑफ द लेयर्स आर कॉम्प्रोमाइज्ड, यानी कि पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम, ऑल ऑफ द हार्ट लेयर्स आर कॉम्प्रोमाइज्ड। तो ऐसे पेशेंट्स के अंदर क्या हो रहा है, ट्रांस म्यूरल इंफार्क्शन, जो नॉन एसटी एलिवेशन एमआई था उसमें सब एंडोकार्डियल इंफार्क्शन था, जो आपका एसटी एलिवेशन एमआई है इसमें ट्रांस म्यूरल इन्वॉल्वमेंट है, हार्ट की ऑल लेयर्स इन्वॉल्वड है। तो इस जो थ्रोम्बस आके यहाँ पे पड़ा है तो उसके ट्रीटमेंट में हम क्या करेंगे, यहाँ पे मेरा आपसे सवाल है, आप में से कोई आंसर करें कि अगर होल ऑफ यानी कि डायरेक्ट आपकी वेसल में कोई थ्रोम्बस आके बिल्कुल कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक हो गई है तो उसके अंदर ईसीजी में एसटी एलिवेशन मिल गई, अब आपने उसके अंदर फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट क्या होगा, एक इनिशियल और बेस्ट। शाबाश अब्दुस्सलाम साहब ने कहा है कि एस्पिरिन इज द इनिशियल ट्रीटमेंट, बिल्कुल शाबाश, फर्स्ट लाइन तो हम एस्पिरिन दे देते हैं, और क्या करेंगे सर, थ्रोम्बोलेक्टमी करेंगे ना उसकी, उसके अंदर हम थ्रोम्बोलाइसिस करते हैं, ऐसे पेशेंट्स के अंदर हमने इस थ्रोम्बस को तोड़ना है, नॉन एसटी एलिवेशन में थ्रोम्बोलाइसिस का कोई रोल नहीं है, वहां पे पेशेंट को पीसीआई का यूजुअली इनिशियली कोई रोल नहीं है, उसमें हेपरिनाइजेशन का रोल था, या उसके अंदर फर्दर आगे मैं ट्रीटमेंट में आपको थोड़ा सा बताऊंगा, जो आपका एसटी एलिवेशन एमआई है उसके अंदर ये थ्रोम्बस बना हुआ है, इसको थ्रोम्बोलाइसिस करेंगे या हम इसमें क्या करेंगे, पीसीआई करेंगे, पेरिकुटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन के थ्रू इस थ्रोम्बस को यहां से तोड़ेंगे, रिमूव करेंगे और यहां पे हम एक स्टंट डाल देंगे ताकि ये वेसल ब्लॉक ना हो। अब आपसे पूछा जाएगा, यहाँ पे तीन सवाल है, बेस्ट इनिशियल, एस्पिरिन, बेस्ट मैनेजमेंट, यानी कि बेस्ट मैनेजमेंट जो है उसके अंदर नंबर वन पे क्या आएगी, PCI, याद रखें PCI, percutaneous intervention is superior to thrombolysis, मगर इसके अंदर हिस्ट्री आपके पास होनी चाहिए कि अगर एक पेशेंट है वो हमारे पास प्रेजेंट कर रहा है हॉस्पिटल में ST elevation MI के साथ और आपने उसको 90 मिनट्स के अंदर अंदर PCI करनी होती है, ये MCQs भी है कि 90 मिनट्स के अंदर अंदर PCI करनी होती है, लेकिन अगर PCI possible नहीं है then we can do thrombolysis। थ्रोम्बोलाइसिस कितने ड्यूरेशन के अंदर अंदर कर सकते हैं सर, 2 to 3 तक इस्कीमिया ना हो, नेक्रोसिस ना हो, नहीं उसके ड्यूरेशन क्या है, यानी एक पेशेंट है उसको कितनी देर की चेस्ट पेन हो कि वो हम कह सकते हैं कि भाई ये इसको हमने एसके लगाना है या हमने थ्रोम्बोलाइसिस करना है, कितनी देर के बाद हम कह सकते हैं कि नहीं करना, एनी मोर गेस सर, 4 to 6 जैसे आपने FIC के अंदर हम पेशेंट लेकर जाते हैं कि किसी का अगर आप में से जाना हुआ हो या वहां किसी ने वर्क की ऑब्जर्वरशिप की हो तो पेशेंट अगर 12 आवर्स के अंदर एसटी एलिवेशन एमआई के साथ प्रेजेंट करते हैं, यानी पेशेंट को हिस्ट्री सिर्फ 12 आवर्स के अंदर अंदर है तो उसको हम स्ट्रेप्टोकाइनेज यानी थ्रोम्बोलाइसिस करते हैं, और अगर पेशेंट चेस्ट पेन के विद इन 1 to 2 hours के अंदर प्रेजेंट कर जाता है और आपने उसके अंदर ईसीजी के अंदर चेंजेस हैं और क्यू वेव्स नहीं बनी हुई और आपको पता है कि इसके अंदर अभी मायोकार्डियल यानी कि डैमेज नहीं हुआ, तो ऐसे पेशेंट्स के अंदर विद इन 90 मिनट्स हमने पर्कुटेनियस इंटरवेंशन कर देने, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि हम स्टंटिंग भी कर सकते हैं और इसमें हम पेशेंट को फर्दर जो है वो कोरोनरी आर्टरी वो बाईपास वाली तो बात की बात है, ठीक है, और स्टंटिंग के बाद पेशेंट को हम टायरोफिबान जो कि आपने सुना होगा GP2B3A इनहिबिटर्स, हार्ट जो प्लेटलेट्स हैं उनकी एग्रीगेशन के अंदर यानी एक प्लेटलेट को दूसरे से जुड़ने के लिए GP2B3A रिसेप्टर्स की जरूरत होती है, अगर वो रिसेप्टर्स के इनहिबिटर्स हम देंगे तो क्या होगा, प्लेटलेट एग्रीगेशन नहीं होगी जिसके साथ हम पेशेंट को यानी थ्रोम्बस को टूट जाएगा, यानी एक पेशेंट को फर्दर थ्रोम्बस से प्रिवेंट करने के लिए हम ऐसे पेशेंट जैसे जिनके अंदर हम स्टंटिंग करते हैं पोस्ट स्टंटिंग उनको हम टायरोफिबान लगाते हैं। अब इसके अंदर मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया कि सुपीरियर होती है एंजियोप्लास्टिक, हाँ अब कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती है, पेशेंट है उसके हम पर्कुटेनियस इंटरवेंशन की
परकुटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन की कॉम्प्लिकेशन मैंने आपको ये भी बता दिया कि 90 मिनट्स के अंदर अंदर करते हैं। इसकी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं कि पेशेंट ब्लीड कर सकता है, मायोकार्डियल रप्चर हो सकता है, पेशेंट कार्डियक टैम्पोनेड में जा सकता है, ठीक है, और ब्लीडिंग रिस्क या हिमाटोमा बनने का चांस बहुत है। अक्सर मैंने पेशेंट एफआईसी के अंदर हम देखते हैं जिनको हमने परकुटेनियस इंटरवेंशन की उसके अंदर हम कहते हैं कि जहां से हमने परकुटेनियस इंटरवेंशन स्टार्ट की, यूजली हम फेमरल वेन को, हम रेडियल भी यूज कर सकते हैं लेकिन मोस्टली हम इसमें फेमरल जो है वो आर्टरी को यूज करते हैं, ठीक है, तो इस एरिया के अंदर हिमाटोमा बनने के रिस्क बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। इसके अलावा अब आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि थ्रोम्बोलाइसिस किन पेशेंट्स में हमने करना है, वो मैंने आपको बता दिया कि अगर 12 आवर के अंदर पेशेंट प्रेजेंट करते हैं तो उसमें हमने थ्रोम्बोलाइसिस करना है। किन पेशेंट्स के अंदर थ्रोम्बोलाइसिस कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, यानी अगर एक पेशेंट आता है हमारे पास हमने क्या क्या उससे सवाल पूछने हैं, तो जिसके बाद हम कहेंगे कि भाई आपको थ्रोम्बोलाइसिस के लिए आप फिट नहीं हो। पहली इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि अगर पेशेंट को आपके पास आता है उसको कोई जीआई ब्लीड की हिस्ट्री है या उसको ब्रेन हीमाटोमा की हेमरेजिक की हिस्ट्री यानी सीवीए की हिस्ट्री है तो उसमें तो एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन है, या एक पेशेंट को स्ट्रोक हो चुका है विद इन 6 मंथ्स तो कॉन्ट्राइंडिकेशन है, पेशेंट को 3 वीक्स के अंदर सर्जरी हुई हुई है तो उसके अंदर वो कॉन्ट्राइंडिकेशन है, अगर बीपी मोर देन 180/100 है तो उसके अंदर भी पेशेंट को एसके लगाना कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। रिसेंट सर्जरी वाली बात मैंने आपको बता दी भी है। अब याद रखें कि अभी हमने बात की एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम की, अब इसकी ट्रीटमेंट के अंदर मैंने आपको दोबारा से रिवाइज करवा देता हूं कि एक पेशेंट है अगर नॉन एसटी एलिवेशन एमआई है, हेपरिन इज द आंसर। अगर एक पेशेंट है जो एसटी एलिवेशन के साथ प्रेजेंट कर रहा है उसमें आर्स के हिसाब से देख लेना है, अगर मोर देन 12 आवर्स है तो आपने फिर उसको कुछ भी नहीं करना, लेस देन 12 आवर्स है तो आपने उसके अंदर थ्रोम्बोलाइसिस भी कर सकते हैं, और अगर पेशेंट 1 to 2 आवर्स में प्रेजेंट कर रहा है तो उसके अंदर भी आप परकुटेनियस इंटरवेंशन कर सकते हैं। अब इसके बाद आगे आ जाती है ट्रीटमेंट्स में हमने क्या क्या बात की, मैंने आपको बताया कि एक पेशेंट आता है तो उसके अंदर हम उसको करते हैं लोड करते हैं, जैसे आपने कहा होगा एस्पिरिन 300 मिलीग्राम देते हैं, क्लोपिडोग्रेल 300 मिलीग्राम देते हैं, लिपिड लोअरिंग जो ड्रग है वो 80 मिलीग्राम स्टैट में देते हैं, और साथ पेशेंट को जो है वो हेपरिनाइज भी कर सकते हैं, या पेशेंट को अगर नॉन एसटी एलिवेशन है तो हेपरिनाइज कर देंगे, अगर एसटी एलिवेशन है तो थ्रोम्बोलाइसिस के लिए प्रिपेयर करेंगे। अब इसमें कौन कौन सी चीजें जिनका बेनिफिट, मैंने आपको तो एस्पिरिन हर बंदे को देनी है, क्लोपिडोग्रेल आपने जरूर देनी है लेकिन फॉर 1 ईयर, 1 ईयर के बाद आप इसको बंद कर देते हैं एमआई के, ठीक है। उसके बाद आपको बताया बीटा ब्लॉकर्स आपने हर पेशेंट ऑफ एमआई को कोरोनरी सिंड्रोम वाले को देना है रेट कंट्रोल के लिए, क्योंकि ये कार्डिक जो है ना, क्योंकि होता क्या है कि जब हार्ट का रेट ज्यादा होता है तो क्या होता है कि पेशेंट की हार्ट, अच्छा यहाँ पे मेरा एक आपसे छोटा सा एक सवाल है कि पेशेंट की हार्ट को ब्लड मैक्सिमम किस में मिलता है, सिस्टली में ज्यादा मिलता है या डायस्टली में मिलता है, यानी कोरोनरीज फिल किस टाइम ज्यादा होती है, सिस्टली में या डायस्टली में? डायस्टोलिक फेज में, ठीक है ना। अब डायस्टली में क्या होता है कि कोरोनरीज को फिल होती है, अगर एक पेशेंट का रेट ज्यादा है तो उसमें क्या होगा, उसमें लेस डायस्टली का टाइम मिलेगा, यानी डायस्टली का टाइम कम हो जाएगा, यानी उसका सिस्टली वो ज्यादा करेगा, डायस्टली के अंदर उसे उतना ही यानी हार्ट की फिलिंग का टाइम कम होगा, जितना फिलिंग टाइम कम होगा उतना ही कोरोनरी परफ्यूजन कम होगी। तो बीटा ब्लॉकर्स क्या करते हैं, रेट को कंट्रोल करते हैं, रेट कंट्रोल होने से क्या होता है कि डायस्टली का ज्यादा टाइम बढ़ जाता है हार्ट को, यानी जो है वो फिलिंग का टाइम भी मिल जाता है, दूसरा कार्डिक आउटपुट जो है वो भी रिड्यूस हो जाती है, हार्ट पे लोड कम हो जाता है, दूसरा